हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्जाम सॉल्यूशन। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपका जो है ये यूनिट 9 है एमपीएस 04 का, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और राज्य, यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसका राज्य से क्या संबंध है, इसके बारे में आपका चैप्टर है ये। और ये जो है एमपीएस 03 की बुक में और आपके पहले भी जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन पे मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, तो आप उसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं और इसमें राज्य का जो है क्या असर पड़ता है वो आप हम देख सकते हैं लास्ट वीडियो में। पर यहाँ पे जो है मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन और राज्य किस तरह से जो है उनका वर्गीकरण यहाँ पे किया हुआ है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इस पर बनता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं, किस तरह से, पहले हम उनका इतिहास देखेंगे, फिर उसके बाद किस तरह से जो है इनके कार्यों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया हुआ है इसको देखेंगे। तो आपकी एमपीएस 04 का ही जो है एक 9 चैप्टर है ये, यूनिट 9। और स्टूडेंट, मैं आपको जो है एमपीएस 04 के और आपके जो है एमपीएस की जितनी भी बुक्स हैं सभी के चैप्टर्स यहाँ पे जो है अपलोड करते रहेंगे हम, तो आप हमारे चैनल के साथ अगर जुड़े रहते हैं तो आपको जो है पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं और किस तरह से उनका जो है वर्गीकरण यहाँ पर किया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और राज्य, इनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, यानी क्या जो है इतिहास में हमें ऐसा लगा था उस टाइम पर कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है इनका निर्माण करना पड़ा, और क्या इनकी ज़रूरत हमें महसूस हुई। तो यहाँ पे शुरुआत होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, यानी जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उससे हमारे देश को जो नुकसान हुआ था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी जो नुकसान हुआ था उसके बाद जो है इनकी ज़रूरत यहाँ पे पड़ी थी, क्योंकि विश्व में जो है शांति स्थापित करने के लिए और कोई युद्ध ना हो और हमारे जितने भी हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाए उन सब चीज़ों को जो है ये पूरा कर पाएँ ये संगठन, इस वजह से इनका निर्माण किया गया था। तो सबसे पहले इनका इतिहास देखेंगे। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रथम विश्व युद्ध के बाद करोड़ों लोग मारे गए और घायल हुए, जिसके कारण विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई। तो सबसे पहले राष्ट्रीय संघ की स्थापना यहाँ पे की गई थी, नेशनल लीग की जो है नेशन ऑफ लीग की यहाँ पे स्थापना की गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जितने भी लोग जो है जितने भी लोगों को मारा गया था, बहुत नुकसान हुआ था अर्थव्यवस्था का, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए, ताकि और कोई युद्ध ना हो, इसलिए जो है सबसे पहले राष्ट्रीय संघ की स्थापना यहाँ पे की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि राष्ट्रीय संघ भी जो है एक ऐसा संगठन है जो देश में शांति स्थापित करेगा और देश के जो भी सामाजिक मुद्दे हैं उनको सॉल्व करेगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अनेक मानवतापूर्ण कार्य तथा समस्त विश्व में रोगों की रोकथाम, मजदूरों और निर्धन जनता के कल्याण के लिए कार्य किए गए। और संयुक्त राष्ट्र संघ जो था उसकी भी यहाँ पे स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ, हम पता है यूएनओ, ये जो है हमारे देश में क्या करेगा, सारे जो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी बीमारियाँ हैं और जो भी निर्धन लोग हैं, निर्धनता की प्रॉब्लम जो है हमारे देश में, उनको देखेगा, और रोगों के रोकथाम के लिए और जितने भी मजदूर हैं उनके लिए एक संगठन बनाएगा और उनको उनके अधिकार देगा। तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है इसका इन सब मुद्दों को देखा गया और ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारे देश में बना। सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस में पोलैंड क्षेत्र के लिए हिटलर से युद्ध लड़ा, वैद्य युद्ध की शुरुआत हो गई और राष्ट्रीय संघ विश्व शांति बनाए रखने में असफल रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्ति बनकर उभरे और इस युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है स्थापना किन कारणों से हुई थी, सबसे पहले सितंबर 1939 में जो हिटलर था वो चाहता था कि पोलैंड पर मैं अपना कब्ज़ा कर लूँ, पोलैंड को जो है उस पर अपना अधिकार जमा लूँ। जर्मनी का था हिटलर, वो चाहता था जर्मन में ही हम इसको पोलैंड को मिला लें। तो इस वजह से जो है ब्रिटेन और फ्रांस ने यहाँ पे युद्ध छेड़ दिया था हिटलर के खिलाफ। तो और राष्ट्रीय संघ जो है विश्व शांति बनाए रखने में यहाँ पे एक असफल रह गए, क्योंकि यहाँ पे जो है एक युद्ध हो गया और राष्ट्रीय संघ का जो कार्य था कि ये देश में युद्ध नहीं होने देगा और शांति स्थापित करके रखेगा, तो इसको जो है वो सफल नहीं कर पाया, तो यहाँ पे राष्ट्रीय संघ जो है फेल हो गया। और इसके बाद जब यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, यहाँ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है स्टार्ट हो गया था, और इसके बाद जब इन दोनों का युद्ध हुआ तो जो है हमारी अर्थव्यवस्था में जो है काफ़ी नुकसान भी यहाँ पे हमें देखने को मिला था। और उसके बाद सिर्फ दो ही शक्तियाँ यहाँ पे रह गई थी, एक अमेरिका और सोवियत संघ,
इसके बारे में हमने जो है शहीद युद्ध के चैप्टर में भी पढ़ा था, ये इसके ऊपर भी मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, आप वो भी देख सकते हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर थी। तो इसमें द्वितीय विश्व युद्ध में मतलब जब ख़त्म हो गया था और अमेरिका और सोवियत संघ यहाँ पे बचे थे, तो उसके बारे में मैंने बता रखा है शीत युद्ध की वीडियो में, वो भी आप देख सकते हैं। तो उसके बाद जब अमेरिका और सोवियत संघ बचा, तो यहाँ पे अमेरिका और सोवियत संघ ने डिसाइड कर लिया था कि अब हम आगे कोई युद्ध नहीं होने देंगे, क्योंकि जो है इससे बहुत ही नुकसान होएगा, हमें भी दोनों ही देशों को जो है नुकसान देखने को मिलेगा और इसमें जो है किसी का भी लाभ नहीं है। तो इन दोनों देशों ने जो है यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यहाँ पे की गई, ताकि आगे फ्यूचर में कोई भी हमें युद्ध ना देखने को मिले, कोई भी राज्य को जो है कोई महाशक्ति को नुकसान ना देखने को मिले। तो इसीलिए इस कारण से जो है शांति स्थापित करने के लिए और जो है हमारी अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान ना हो, हमारे आर्थिक मुद्दों को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने कई बार कई बड़े युद्धों को रोकने में के लिए वह समस्त विश्व के कल्याण के लिए विभिन्न एजेंसियां बनाई, वह उस पर काबू किया। और यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एक लोकप्रिय यहाँ पे हो गया कि ये जो है सारे जो है, क्योंकि शीत युद्ध जो था जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ बचे थे, यहाँ पे उनमें के बीच भी कोई युद्ध नहीं होने दिया, शांति स्थापित रही पूरे शीत युद्ध का जो दौर था, एक भी बार इसमें यहाँ पे युद्ध देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो था, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो था, इसने युद्ध को होने से बचा लिया। और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने और भी क्षेत्रों में, यानी कि आर्थिक विकास कैसे किया जाना है, हमारी सैन्य शक्ति कैसे बढ़ानी है, इसके क्षेत्र में भी कई एजेंसियाँ यहाँ पे खोली, जो कि अलग अलग क्षेत्र में अपना काबू रखेंगी। तो इस तरह से यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो थे, जो UNO की स्थापना थी, यहाँ पे सफल हुई और इस तरह से इसने अपना लोकप्रियता यहाँ पे बढ़ा ली। सारे मुद्दों में फिर ये सफल होता गया। तो इस तरह से यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का इतिहास देखा जाता है, यानी कि जो है हमारे देश में हमें शांति बना के रखनी है, कोई भी युद्ध नहीं होने देना है और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान ना हो, इसको हमें देखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने पड़ेंगे। यहाँ से इसकी शुरुआत होती है और इस तरह से ये जो है विभिन्न देशों में सफल हो जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का वर्गीकरण, इस पे इस चैप्टर में से आपका क्वेश्चन बन सकता है, संगठनों का जो है वर्गीकरण किस आधार पे किया जाता है। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का वर्गीकरण जो है यहाँ पे चार जो है डिवाइड कर रखा है इनके कार्यों को। सबसे पहला है कार्य आधारित वर्गीकरण, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कार्य होते हैं इनके, उसके आधार पर इनका वर्गीकरण अगर देखें तो यहाँ पे तीन चीज़ों पे इनका वर्गीकरण किया जा सकता है, एक राजनीतिक और एक प्रशासनिक व न्यायिक। यानी कि ये राजनीतिक क्षेत्र में इसका क्या कार्य होगा, इसके राजनीतिक कार्यों में शांति और सुरक्षा स्थापित करना इसका मुख्य कार्य है। यानी कि राजनीतिक कार्य इसके क्या होंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के, कि ये देश में शांति स्थापित करेगा और सुरक्षा करेगा देशों की। इसके सिवाय प्रशासनिक संगठनों के अधिकार सीमित होते हैं, जो प्रशासनिक संगठन होंगे इसके, उसके अधिकार जो है सीमित होते हैं, मतलब किसी भी देश में ये काम करेंगे तो उसके कुछ कानून नियम इसके बनाए गए हैं, उसी के आधार पर ये काम करेगा। और न्यायिक संगठन को जो है कार्य न्याय स्थापित करेगा, ये समाज में जो भी देश हैं उनके लिए क्या किया जाना चाहिए वो ये करेगा। तो न्यायिक संगठन का कार्य क्या है, न्याय स्थापित करना, जैसे स्थायी न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इनकी स्थापना की गई है ताकि ये न्याय स्थापित कर सके। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का कार्य आधारित वर्गीकरण जो है यहाँ पे तीन तरह से हम देखते हैं, एक राजनीतिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर और न्यायिक आधार पर। इसके अलावा प्रचालन क्षेत्र आधारित वर्गीकरण यहाँ पे किया हुआ है, यानी कि प्रचालन के क्षेत्र के आधार पर विश्वव्यापी संगठनों द्वारा क्षेत्रीय संगठन बनाए जाते हैं, वह ये राज्यों के आंतरिक कार्य करते हैं और इनका निर्माण विश्वव्यापी संगठनों द्वारा किया जाता है। जो प्रचालन क्षेत्र में, यानी कि अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन तो यहाँ पे बन गए हैं, पर राज्यों के अंदर जो भी और छोटे छोटे राज्य हैं उनके कार्यों को यहाँ पे कौन देखेगा, तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने क्या बनाए हैं, एक क्षेत्रीय संगठन बनाए हैं यहाँ पे, तो जो है यहाँ पे कार्यों का ये परिचालन करेंगे, यानी कि जो है राज्यों के अंदर क्या कार्य किए जाने चाहिए, उनके जो है जो भी नियम कानून किसी देश में जो है एक छोटे स्तर पे क्या मुद्दे हैं,
उनको कौन देखेगा, क्षेत्रीय संगठन। तो यहाँ पे विश्वव्यापी संगठन जो होते हैं, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, इनके द्वारा क्षेत्रीय संगठन बनाए जाते हैं, और क्षेत्रीय संगठन जो है राज्यों के अधीन काम करते हैं। तो यहाँ पे दो रूप हमें, दो वर्गीकरण हमें देखने को मिलते हैं, प्रचालन क्षेत्र के अंतर्गत एक क्षेत्रीय संगठन और विश्वव्यापी संगठन। विश्वव्यापी संगठन पूरे विश्व के जो मुद्दे हैं उनको देखेगा, और इन्होंने, इनके द्वारा जो बनाए गए हैं क्षेत्रीय संगठन, ये राज्यों के कार्य देखेगा। तो इनका निर्माण विश्वव्यापी संगठन द्वारा किया जाता है। सरकार और राज्य संधियों पर आधारित वर्गीकरण, यानी कि यहाँ पे एक प्रश्न ये उठता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए हैं ये राज्यों द्वारा बनाए गए हैं, यानी कि राज्य संधियों द्वारा बनाए गए हैं, या फिर सरकार द्वारा। यहाँ पर यह वर्गीकरण किया जाता है कि संगठन राज्यों के बीच हुई संधियों पर आधारित है अथवा सरकार की नीतियों पर आधारित है। यानी कि कुछ संगठन ऐसे होते हैं जो कि राज्यों द्वारा बनाए जाते हैं, और कुछ संगठन जो है सरकार की नीतियों के द्वारा बनाए जाते हैं। यानी कि सरकार तय करती है कि कौन से जो है संगठन यहाँ पर बनाए जाने, और एक जो है संगठन राज्यों द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि राज्य क्या करते हैं, उन्हें यह हमारे लिए काम करेंगे, ऐसे संगठन बना देती हैं। राज्य संधियों पर आधारित संगठन राज्य द्वारा सम्मिलित कर लिए जाते हैं, जैसे विधानमंडल और कार्यपालिका। ये जो विधानमंडल और कार्यपालिका बनाए जाते हैं, ये कौन है, ये राज्य के कार्य संभालेंगे, तो राज्य इन्हें अपने अंदर संभाल लेते हैं। अंतर सरकारी संधियों का संबंध प्रशासनिक संबंधों से होता है। कई बार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण संवैधानिक कठिनाइयों के समाधान के लिए अंतर सरकारी संघ द्वारा किया जाता है। यानी कि जो अंतर सरकारी संधियों पर जो बनाए जाएंगे संगठन, वो जो है विश्व में क्या कठिनाइयां आ रही हैं उनको देखेंगे। तो यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि हमें सरकार द्वारा जो है संगठन बनाने चाहिए, यानी सरकार द्वारा संगठन बनाए गए हैं या संधियों द्वारा। तो इस आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया जाता है। जो सरकार द्वारा बनाए जाएंगे उनमें जो है संवैधानिक कार्य देखे जाएंगे, यानी कि जो भी हमारे संविधान में जो कठिनाइयां हैं, यानी कि उसको जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मुद्दे हैं उनको कैसे समाधान किया जा सकता है उसको देखेंगे। और राज्य संधियां क्या करेंगी, जो राज्य के कार्य होंगे उनको देखेंगी। इसके अलावा सदस्यता और कार्यकलाप आधारित वर्गीकरण, सदस्यता के आधार पर भी इसका जो है वर्गीकरण किया जाता है। यानी कि सदस्यता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और विश्वव्यापी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। द्विक्षेत्रीय और यहाँ पे विश्वव्यापी, यानी कि जो विश्वव्यापी होंगे वो क्या करेंगे, विश्व के सारे मुद्दे देखेंगे। जो द्विपक्षीय होंगे, यानी कि जो है एक से ज़्यादा देश में जो होंगे वो उनके मुद्दे देखेंगे। वहीं विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं जो उनके परिचालन प्रकारों और उद्देश्यों पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पे ये जो संगठन बनाए जाते हैं ये किस तरह के कार्य करते हैं, यानी कि सैन्य क्षेत्र में ये बनाए जा रहे हैं, या फिर किसी देश का जो है आर्थिक क्षेत्र के लिए बनाए जा रहे हैं, यानी कि उस देश में हमें आर्थिक प्रगति कैसे करनी है, इस आधार पे बनाए जा रहे हैं। तो ये इनकी जो है सदस्यता यहाँ पे निर्धारित होती है। एक तो द्विपक्षीय होती है, एक क्षेत्रीय होती है, और विश्वव्यापी होती है। यानी कि ये किस आधार पर कार्य करेंगे, ये आर्थिक आधार पर कार्य करेंगे, या फिर जो है किसी सैनिक मुद्दे को देखेंगे, सैन्य शक्ति, या फिर युद्धों के आधार पर इनका जो है निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ पे सदस्यों के आधार पर भी जो है वर्गीकरण किया गया है। यहाँ पे वर्गीकरण जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का वर्गीकरण चार तरह से हम देखते हैं। आपका जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पर बन सकता है, तो ये आपको ज़रूर प्रिपेयर करना है। यहाँ पे मैंने आपको जो है थोड़ा सा डिफाइन किया है इसके बारे में। अगर आपको उसकी फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। नोट्स में आपको जो है इस पूरे चैप्टर की, आपके जो भी चीज़ें इसमें रह रही हैं उसकी भी एक्सप्लेनेशन दी होगी। बाकी अगर इम्पोर्टेंस क्वेश्चन की बात करें तो आपको जो है इसी पे इम्पोर्टेंस क्वेश्चन बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो है किस तरह से निर्माण हमारे देश में महसूस किया गया, और इनका जो है वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो ये आपको ज़रूर प्रिपेयर करना है। इसके अलावा स्टूडेंट, आपको अगर इसकी ऑनलाइन क्लासेस चाहिए आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पर डीएम करके ऑनलाइन क्लासेस की भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसमें आपको जो है सारे ही चैप्टर्स आपके कोर्स के पूरे करवाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे,
और जो है आपके पूरे एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर किए, तो ये भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसकी और इन्फॉर्मेशन आप हमसे जो है व्हाट्सएप पे ले, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इस पर DM करके आप हमसे नोट्स और ऑनलाइन क्लासेस की इन्फॉर्मेशन लेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट, अगर आपका कोई भी नेक्स्ट टॉपिक होता है आप पॉलिटिकल साइंस का, तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए।